हाय दोस्त, आप सभी को एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्त तो दोस्त आप सभी अपने अपने ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त आज हम फाइनली कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अभी जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस जगह पर क्या है कि हमारे यहाँ का जो भी हमारे लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक, जो शाम में हम लोग इवनिंग में जो भी थोड़ा बहुत घूमते हैं, उसी तरीका से हम लोग घूमने आए हैं। तो घूमते वक्त क्या करते हैं दोस्त कि हम लोग थोड़ा सा रेलवे लाइन का एक पटरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये देखिए रेलवे लाइन का पटरी है, इस पटरी पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो क्या है दोस्त कि यहाँ पे बैठने से चारों तरफ से पूरा खुला जगह है, स्वस्थ हवा इधर मैंने अच्छा हवा आता है और इधर पे थोड़ा सा स्वस्थ लेने लगता है। तो दोस्त क्या है कि जैसे कि हम लोग बैठे हैं तो अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ बात किए कि भाई बात ऐसा है कि लाइफ में अपने लिए हम लोग को तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए माँ बाप क्या करता है कि माँ बाप अपना प्यार देता है और सपोर्ट करता है सिर्फ। और क्या है कि आपको जन्म करके पैदा करके बड़ा कर दिया, आपको मैंने मंजिल तक पहुंचा देगा और पहुंचाने के बाद क्या होगा कि वो अपना पीछे हट जाता है। तो पूरा ज़िंदगी लेकर के वो बैठा नहीं है कि आपका पूरा ज़िंदगी मैंने पार कर देगा। तो वो दोस्त हम यही कहना चाहते हैं कि अपने अपने ज़िंदगी में सभी लोग को बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे 18 साल से ऊपर के जितने भी हमारे बच्चे लोग होंगे, हमारे भाई लोग होंगे, हमारे देखने वाले ऑडियंस होंगे, हम सारे लोग से कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अपना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाइफ सेट कीजिए, कुछ करना ज़रूरी है। कोई देखते हैं कि अपने अच्छे खासा नौकरी करता है, कोई देखते हैं कि अच्छे खासा अपना बिजनेस करता है, कोई अच्छे खासा अपना देखते हैं कि कहीं पे बाहर में जॉब करता है, ठीक ना, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जॉब जॉब होता है, ठीक ना, पैसा मिलना चाहिए, जॉब से मतलब नहीं है। यही है कि सरकारी वाला का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है और प्राइवेट वाला का नो वैल्यू रहता है, क्योंकि पेमेंट उससे आप बेसिक कमाते हैं। तो दोस्त क्या है कि थोड़ा सा लाइफ में अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे मैं रमेश भैया करते हैं, रमेश भैया आप ये बताइए कि अभी के समय में अभी आप क्या करते हैं? अभी को समय में हम तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कहाँ तक करते हैं रमेश भैया? मेरी पढ़ाई तो 10th क्लास चल रही है अभी। तो आगे के लिए आप सोचे हैं कुछ कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बिजनेस के मामले में, या नौकरी कीजिएगा बिजनेस कीजिएगा? देखिए हम तो बिजनेस के लिए नहीं सोचे हैं, मतलब हम भी सोच मतलब एक ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए सोचते हैं और हम भी मतलब छोटा मोटा यूट्यूबर बने। अच्छा, और उससे कुछ पैसा कमाएं और मेरा घर परिवार चले, ये हम। अच्छा देखिए रमेश भैया क्या है कि अपने छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, ये अभी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते वक्त क्या करते हैं कि अपने एक नया चैनल खुले हुए हैं, उस चैनल पर पार्ट टाइम क्या करते हैं कि अपना वीडियो बना बना के डालते हैं। तो ये अपना सोच रहे कि हम भी थोड़ा कहीं लाइफ में सेट हो जाते हैं, अच्छा रहता है। तो रमेश भैया और उसके अलावा कुछ सोचे हैं काम करने के लिए? हाँ, उसके बाद घर जब घर परिवार ऐसा चलेगा तो कुछ बिजनेस भी कर देंगे, दो अच्छा। पैसा इधर से भी हो और इधर से भी हो। अच्छा, और सभी लोग अच्छा से रहें, स्वस्थ रहें, घर के गार्जियन लोग भी हैं, सभी लोग अच्छा रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा, यही मेरा कहना है। और हर कोई भी घर में मतलब खुशी रहना मतलब पसंद पड़ता है। जी जी जी, यही मेरा कहना है। रमेश भैया एक चीज और पूछना चाहते हैं कि आप अपने उम्र के हिसाब से जितने भी आपकी उम्र के युवाओं हैं उन लोग के लिए लाइफ में क्या कहना चाहते हैं, उन लोग को क्या कहना चाहते हैं लाइफ के लिए? देखिए दोस्तों, सारे ऑडियंस से मतलब मेरा एक ही कहना है भाई लोग से जी कि देखिए लड़की कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरा एक ही का नाम है कि लड़की में नहीं नहीं लड़की का मैटर इसमें देखा, अपने लाइफ में उन लोग क्या करे। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है अभी, जैसे 18 साल की उम्र है वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते वक्त उसका कोई पार्ट टाइम काम होना चाहिए ना। जब गरीब परिवार के जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे उन लोग को पार्ट टाइम के लिए कोई ऐसा चीज बताइए जिसके दिमाग में हो कि वो कर सके। तो हम यही दोस्तों से सारे दोस्तों से यही मेरा कहना है कि अपने हिसाब से देखिए हमारा एक ही कहना है, घर से चल रहे हैं तो अपने पढ़ाई के लिए चल रहे हैं, तो मतलब जो भी काम कर रहे हैं मतलब अच्छा से करें और उस पर फॉलो भी होना चाहिए। जैसे कि काम हमारे पढ़ाई करें तो पढ़ाई पर भी फॉलो करना चाहिए, और घर के कुछ काम है तो घर पे भी मतलब होना चाहिए, और कुछ दौरी दुकान होता है घर पे तो उस पर भी मतलब ध्यान देना चाहिए। कुछ मतलब बिजनेस लेकर के कुछ इधर भी कीजिए कुछ उधर भी कीजिए, तभी तो घर चल सकता है। मेरा यही कहना है कि सभी भाइयों से ये अच्छा से पढ़ें लिखें और आगे कुछ अपना भविष्य में करें। और कुछ ऐसा भी है कि मतलब सरकारी जॉब कितना को मतलब करना पसंद होता है और कितना को प्राइवेटली भी होता है, तो जिनको जो लग रहा है वो अपना मतलब करें और अपना। तो फाइनली दोस्त हम बताना चाहते हैं कि रमेश भैया जैसे बता रहे हैं कि जो भी लोग हैं जो 18 साल से ऊपर के जो युवाओं हैं जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं, तो अपने लाइफ को थोड़ा सेट करें, क्योंकि लाइफ सेट हो जाता है तो बहुत बढ़िया अच्छा रहता है। इनका कहना है कि किसी के अगर देखिए अपने आप के अंदर में अहम होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए कि हमने इस काम को
कर लेगा। और जब भी काम करते हैं तब मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए, तभी आपका लाइफ सेट होगा। ये नहीं कि हम आधा किया आधा करके छोड़ दिए, उससे आपका लाइफ कभी नहीं सेट होगा। जिस काम कर रहे हैं उस काम को पूरा कीजिए, अच्छा कीजिए, ढंग से कीजिए, लगन से कीजिए, मन से कीजिए, हर चीज़ से कीजिए, उसको पीछे मत होइए। तो लाइफ में अपना थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा सब चीज़ क्या है कि पैसा है। तो लाइफ में थोड़ा सेट होइए। सेट होने के लिए हम इतना ही वीडियो में कहते हैं, और जो भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे सारे लोग के लिए हम यही कहते हैं। और तब तक से हम वीडियो को समाप्त भी करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक से टाटा, बाय बाय।